टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी सूचना था उसके तरफ, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और तीन अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुमार के रहने वाले हैं, रोशन कुमार आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं। 10 मार्च को रेल अपराध नियंत्रण केंद्र गुलजारबाग क्षेत्र अंतर्गत NMCH से पटना से शीतला माता मंदिर से होते हुए रेलवे पटरी पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में एक व्यक्ति चंदन कुमार उम्र करीब 20-22 वर्ष के आसपास जब जा रहे थे तो उनके साथ कुछ अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में उनको चक्कू मार दिया गया जिसके बाद वो वहाँ पे गिर गए, उनके सर में चोट आई और उनका जो टिफिन जो था साथ में उसमें उसको अपराधियों को लगा कि उसमें टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स है, उसको टिफिन को भी लिया गया और उसको टिफिन को ले लिया गया। उसके इलाज के क्रम में चंदन कुमार जो कि जिला नालंदा के रहने वाला है उनकी मृत्यु हो गई। इस अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया पटना रेंजन गुलजारबाग थाना कांड संख्या 180-24 और इसके उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रभाकर तिवारी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी सूचना था उसके तरफ, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और तीन अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुमार के रहने वाले हैं, रोशन कुमार आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया। उनके द्वारा जो कुंदन कुमार है अभियुक्त स्वीकारोक्ति बयान जो दिया गया उसके आधार पर जो टिफिन घटनास्थल के आसपास फेंक दिया गया था उसे बरामद किया गया, जो चाकू जिस चाकू से वॉर किया हमला किया गया था मृतक के ऊपर उस चाकू को भी बरामद किया गया है और इस प्रकार बिल्कुल ब्लाइंड केस का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और उसमें तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त जो है वो सुनसान स्थानों को चिन्हित कर वहां से गुजरने वाले यात्रियों व्यक्तियों के साथ छिनतई की घटना इनके द्वारा किया जाता था और विरोध करने पर मारपीट करके और उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाते थे। उनका आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से। कितने लोग थे चाकू मारा गया उसमें और उनके पास से बरामद हुआ, आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हम जो मोबाइल बरामद हुई थी पैसा छीने थे ये लोग, पैसा उसके पास नहीं था, पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स होगा तो टिफिन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं, तो उसका सर में चोट लगा गिरने के कारण, उसको तुरंत रेल पुलिस के द्वारा ही उसको NMCH में उसका इलाज कराया गया, उसके बाद प्राइवेट जगह इलाज उसका चला लेकिन वो बच नहीं सके, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनका सर बैकग्राउंड क्या है, ये लोग काम क्या करते थे, जैसे लूटपाट रात को करते दिन में कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं? ये सभी के सभी एक तरह से स्पेक्यस गिरोह के हैं और ये नशा करते हैं, नशा का सेवन करते हैं और ये छोटे मोटे लूटपाट करते हैं और उसमें लूटपाट करके ये निशाना बनाते हैं यात्रियों को, चाहे जो भी उस रेलवे लाइन से गुजरता है उसको वो उस पे टारगेट कर देते हैं। सर ये मोबाइल सब उसके साथ पुलिस के द्वारा इसमें स्वतः संज्ञान लिया गया है क्योंकि जो मृतक के परिवार है वो उसमें लेने की स्थिति में नहीं थे तो पुलिस ने जो थानाध्यक्ष है उसके स्वबयान पे इसमें केस दर्ज किया। सर ये मोबाइल सब लूट का है या क्या है, इसके पता लगाया जा रहा है। 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है, इनके पास से चाकू मिला है, टिफिन मिला है और इसका पता लगाया जा रहा है कि ये लूट का मोबाइल है, चोरी का मोबाइल है, इसका हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने अभी इसके बारे में मोबाइल के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया है, अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनमें उसका भी मोबाइल है क्या? नहीं, उसका मृतक का कोई मोबाइल छीना नहीं गया है, मृतक का पैसा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, उनका टिफिन जो है वो टिफिन लिया गया।